आईपीएल में लीग राउंड के सभी मैच खेले जा चुके हैं। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। दिल्ली और बैंगलोर के पास अपना पहला खिताब जीतने का मौका होगा, तो वहीं मुंबई पांचवी और हैदराबाद तीसरी बार चैंपियन बनना चाहेगी। दुबई में खेले जाने वाले पहले क्वालिफायर में 5 नवंबर को दिल्ली और मुंबई के बीच पहला क्वालिफायर खेला जाएगा। 6 नवंबर को अबू धाबी में हैदराबाद और बेंगलोर के बीच पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने पिछले सीजन के फॉर्म को इस सीजन में भी जारी रखा है। चेन्नई के खिलाफ सीजन का पहला मैच हारने के बाद टीम ने जबरदस्त वापसी की और लगातार दूसरी बार प्लेऑफ में जगह बनाई। यह टीम इस सीजन में काफी बैलेंस्ड नजर आई है। टीम को बैट्समैन और बॉलर्स ने अहम मौकों पर अपने दम पर टीम को जीत दिलाई। 3 बैट्समैन क्विंटन डिकॉक, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने 400 से अधिक रन बनाए हैं, तो वहीं टीम के 3 गेंदबाज जो सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 10 के लिस्ट में शामिल हैं। मुंबई ने सबसे ज्यादा बार 4 बार खिताब जीता है। दिल्ली की टीम ने इस सीजन में शुरुआत कुछ अच्छे बदलाव किए थे। फ्रेंचाइजी ने शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज को टीम में शामिल किया। आर अश्विन जैसे स्पिनर को टीम से जोड़ा। सीजन के 19 विकेट ले चुके एनरिक नॉर्किया भी क्रिस वोक्स के डिस्प्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल हुए थे। ये सभी फैसले सही साबित हुए। गेंदबाजी की दम पर दिल्ली ने इस सीजन में 6 बार टारगेट डिफेंड किए। दिल्ली ने लगातार दूसरी बार प्लेऑफ में जगह बनाई है। पिछली बार क्वालिफायर 2 में उसे चेन्नई के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हैदराबाद की टीम 2016 के बाद से लगातार 5वीं बार प्लेऑफ में पहुंची है। टीम ने 2 बार में खिताब भी जीत चुकी है। टूर्नामेंट में शुरुआती दौर में हैदराबाद की टीम पिछड़ने के बाद टीम ने शानदार कमबैक किया। आखिरी 3 मैच जीतकर बेहतरीन रन रेट की वजह से टीम ने प्लेऑफ में जगह बनाई। इस सीजन में टीम बैलेंस्ड नजर आ रही है। कप्तान डेविड वार्नर की अगुवाई में बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। वार्नर ने 500, मनीष पांडे और ब्रेस्टो ने टूर्नामेंट में 300 से ज्यादा रन बनाए हैं। वहीं राशिद खान, संदीप शर्मा और टी नटराजन ने टीम को भुवनेश्वर कुमार की कमी नहीं खेलने दी। भुवनेश्वर की चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। चोटिल मिशेल मार्श की वजह से जेसन होल्डर आए थे टीम में और अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से टीम को अंतिम 4 में पहुंचाया। अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। बेंगलुरु के पास पहली बार खिताब जीतने का मौका है। एक्सपीरियंस और युवा खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की बदौलत टीम प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब रही है। पहली बार आईपीएल में खेल रहे देवदत्त पड्डीकल ने टीम की तरफ से ज्यादा 472 रन बनाए हैं। वहीं युजवेंद्र चहल ने अपने इस सीजन में 20 विकेट लेकर सीजन के टॉप 5 बॉलर्स की लिस्ट में एकमात्र स्पिनर है। टीम के कप्तान विराट कोहली के खाते में 460 रन, तो वहीं एबी डिविलियर्स के खाते में 398 रन। आरसीबी ने कुल 4 बार प्लेऑफ में जगह बनाई है और 3 बार फाइनल भी खेला है।